सो हे गाइस, आ चुके हैं एक और नई वीडियो क्लिप के साथ। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ आने वाले लीक्स और अपडेट्स के ऊपर, और थोड़ी सी जानकारी देंगे और चीज़ें आपको बंडल दिखाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना, ताकि इस तरह इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग सीधा बात कर लेते हैं जो हमारा एक इवेंट है जो हमें प्रेजेंट में देखने को मिलने वाला है। तो थाईलैंड के सर्वर में ये ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है जो अभी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो। इस इवेंट के अंदर आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि बंडल, उसके साथ ही साथ ग्रेनेड की स्किन, ग्लू वॉल की स्किन और हमेशा की तरह स्कैनर, बाउंटी और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी ही रहेंगी। कम डायमंड और हाई डायमंड के लिए ट्राई ज़रूर होगा इसमें भी, तो डायमंड बचा के रखो अगर ये बंडल आप लोग को निकालने हैं तो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी थी मेरे को, फ्री फायर के अंदर जो लोग मेरे व्यूवर्स हो और फ्रेंड्स हैं, जितने लोग हैं सभी लोग के थ्रू मेरे को पता चलता है कई सारी चीज़ें। तो बहुत लोगों के कम कम डायमंड में एक एक दो दो स्पिन में भी बंडल निकल जाते हैं। तो अगर आप लोग को ट्राई करना हो या फिर आपका बजट हमेशा कम रहता है, आप ट्राई नहीं करते, फिर भी आप एक दो स्पिन के लिए ट्राई कर सकते हो और यार कर लिया करो, क्या पता तुम्हारी किस्मत में वो निकल जाए। लोगों के एक स्पिन में भी बंडल निकल रहे हैं, तो अभी निकल रहे हैं, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। अगर बैकअप थोड़ा बहुत रखना है तो रख सकते हो, ताकि क्या पता कोई आपका भी बंडल निकल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे अभी ये बंडल हम लोग को इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद चलते हैं जो फ्री फायर का कोलैबोरेशन का यहाँ दिखा रहा है, स्पाइडरमैन होम कमिंग के बारे में तो आप लोग जान ही रहे होंगे मूवी के, तो अभी उससे रिलेटेड हम लोग को ये बंडल देखने को मिलने वाला है। फ्री फायर का एक और कोलैबोरेशन हुआ है अभी शो के साथ, तो अभी देखो इसके बंडल कब तक आते हैं फ्री फायर के अंदर। और सच बताऊँ तो मुझे पूरी तरह से ये बंडल बकवास लगा, मैं तो नहीं खर्च करने वाला डायमंड अगर डायमंड में आता है तो। पर अगर आप लोग को अच्छा लगा तो यार ज़रूर खर्च कर लेना, निकाल लेना और कमेंट में करके यार ज़रूर बताना कि आपको ये बंडल कैसा लगा और कितना डायमंड तक इस ऐसे बंडल पे आप लोग खर्च करने को रेडी हो। और अब गरहीना से तो बस यही दुआ करने को रह जाएगा कि ऐसा कोई मोड ना दे दें स्पाइडरमैन से इंस्पायर होकर जिसमें हमें लटक लटक के किल करके मिशन को कम्प्लीट करने पड़े। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो दो फोटो, एक ऊपर नीचे, जिसमें कैली एक में हाथ में गन लेके खड़ी है और फ्लिप मारी है और दूसरा गाड़ी के ऊपर बैठी है। तो ये दोनों एक्चुअली में इमोट है जो कि हम लोग को अपडेट के बाद ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अपडेट के पहले जो चीज़ें आने वाली हैं, अगर कोई नया इमोट है तो वो आप लोग अभी इमोट सेक्शन में जाके देख सकते हो कि हमें क्या क्या देखने को मिलेगा अपडेट से पहले। और थोड़ा वेपन रॉयल की भी अगर बात कर ले तो यहाँ पे दो वेपन रॉयल निकल के लीक सामने आया है, जिसमें से एक M60 और ड्रैगनो होगा और दूसरा SKS का होगा। और मेरे ख्याल से SKS ही हमारा नेक्स्ट होगा, क्योंकि इसकी एट्रीब्यूट निकल के सामने आ गई, जिसमें आपको डबल डैमेज, एक एक्यूरेसी और एमओ यहाँ पे माइनस है। तो ये आपको हो सकता है नेक्स्ट वेपन रॉयल में देखने को मिले। अब अगर बात करें गोल्ड रॉयल के बंडल के ऊपर, तो काफ़ी सारे फोटोज गोल्ड रॉयल के निकल के सामने आए हैं, तो ये सारे बंडल आपको दोबारा से देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपको लक रॉयल जैसा ही कुछ देखने को मिले, जिसमें आप ढेर सारे गोल्ड कलेक्ट करके स्पिन कर सकते हो और जिस दिन गोल्ड कलेक्ट करना होगा उस दिन गरीना आपको 100% एक्स्ट्रा या 200% एक्स्ट्रा करके ही आपको गोल्ड देगा, जिसके थ्रू आप काफ़ी सारे गोल्ड भी कलेक्ट कर पाओगे और बंडल भी निकाल पाओगे। नहीं तो ये कोई इवेंट करके आएगा जिसमें आप टोकन एक्सचेंज करके इन बंडलों को निकाल सकते हो। तो अभी काफ़ी सारे खर्चीले इवेंट की बात हो चुकी है, अभी फिलहाल हम लोग फ्री की तरफ चले। तो यहाँ पे फ्री फायर के अंदर दो मास्क हम लोग को देखने को मिलने वाला है, जिसमें से पहला ये है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा है और आपको इसके लिए हो सकता है डायमंड खर्च करने पड़े, पर जो फ्री का होगा ना वो ये होगा देखो यहाँ पे, क्योंकि इससे ज़्यादा सड़ा मास्क मैंने आज तक नहीं देखा। तो ये आपको फ्री में देखने को मिल सकता है, क्योंकि फुकट की चीज़ें यार ऐसे बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें फ्री में गरीना हम लोग को देता है और आगे भी देता रहेगा। अभी फ़िलहाल हम लोग आगे भी देखते हैं। अब चलते हैं सीधा मास्क वाले ऑप्शन की तरफ, तो इसका क्या यूज़ है अभी आप लोग को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ और क्या क्या कॉम्बिनेशन इसके साथ यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन चीज़ गरीना दिया है। अभी देख सकते हो यहाँ पर प्लेन फेस और फिर मास्क लगाने के बाद आप इसके ऊपर से क्या क्या चीज़ें लगा सकते हो। अभी ये देखो, पहले फ़िलहाल मास्क देख लो ये जो हम लोग को आने वाला है, फिर अगर जो हमारा एक गॉगल का सेक्शन देता है चश्मा लगाने वाला, यहाँ पे देख सकते हो उसी फेस के ऊपर ये सारी चीज़ें लग रही हैं। अभी इसका लुक देखो कितना ज़्यादा डेंजर लग रहा है और कितना बेहतरीन लुक लग रहा है। इवन कोई भी मास्क अगर पहनते हो तो उसकी आँखें आपको वही जोकर वाली देखने को मिल रही हैं, यानी कि जो हेड मतलब कैप वाला सेक्शन है और जो चश्मे वाला यानी चश्मे जो लगाते हैं इसमें जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें उस फेस के ऊपर लग रही हैं, देख सकते हो अभी यहाँ पे आप लोग। तो ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ दिया है और कॉम्बिनेशन इसके साथ बहुत बेहतर बनने वाला है। तो अभी देखते हैं ये बंडल कब आता है और ऐसे ऐसे कौन कब आते हैं फेस जिनके ऊपर हम लोग इन चीज़ों को लगा के इनके एडवांटेज ले सकते हैं। और अभी आप लोग को मैं एक और ट्रेलर दिखाने वाला हूँ, और जो लोग नोटिस कर लेना यार कि मैं इस ट्रेलर में क्या मेन चीज़ दिखाने वाला हूँ, वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी बता तो मैं वीडियो में दूंगा, पर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग पहले गेस कर लिए थे कि नहीं।
तो चलो अब हम बता देते हैं, और अगर गेस कर लिए थे पहले ही तो आप लोग कमेंट में करके ज़रूर मुझे बता देना। तो इस ट्रेलर में आपको एक लंबरगिनी की स्किन देखने को मिली होगी जो कि रेड कलर का था, और अगर अभी भी ध्यान नहीं दिए तो रिवाइंड करके पीछे करके देख सकते हो, और वो लंबरगिनी की स्किन हम लोग को गेम के अंदर भी देखने को मिलेगी। पर अभी कब देखने को मिलेगा अभी ये क्लियर नहीं है, तो भी फिलहाल ये बंडल ही आ जाए वही बड़ी बात है। अब अगर मिस्ट्री शॉप की अगर हम लोग बात करें तो ये आप लोग को जल्दी देखने को मिलने वाला है, बाहर के सर्वर में आ गया है। हमारे सर्वर में आएगा तो यार मंथ के लास्ट में ही आता है हमेशा की तरह, तो लास्ट में ही देखने को मिलेगा। फिलहाल एनिवर्सरी ही आ जाए, एनिवर्सरी का ही इवेंट बहुत सारे रिलेटेड हैं, तो उसी टाइम हम लोग को ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो बस यार वीडियो की डिटेल में इतना ही था, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो गए तो यार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे मिलती रहे।